बालों का झड़ना, खून की कमी और झुर्रियों से अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप डेली पीजिए इम्यूनिटी बूस्टर पालक आंवला बीटरूट गाजर का जूस। तो जूस बनाने का जो तरीका है उसके लिए हम सबसे पहले लेंगे आंवले। आंवलों को यहाँ पर हमने अच्छी तरह से धो लिया है। आंवलों में विटामिन सी पाया जाता है जो हमारे दांत और हड्डियों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। तो इनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पर कट कर लेंगे। साथ में अब हम यहाँ पर ले लेंगे फ्रेश पालक, इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, इसको भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं एक टमाटर, टमाटर को भी हम काटेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। सब चीज़ों को यहाँ पर हमें बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना है। अब हम गाजर ले रहे हैं, तो गाजर के अपने ही बहुत फायदे होते हैं। गाजर खाने से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, खून की कमी को भी यह दूर करता है। अब बीटरूट मेन इसका इंग्रेडिएंट है, बीटरूट एंटीऑक्सीडेंट से बहुत भरपूर है और इसका रोज सेवन करने से विटामिन और भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशंस हमें यहाँ पर मिलते हैं। इस जूस को पीने से एक तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, खासकर सर्दी के मौसम में कि आपके चेहरे पे गुलाबी सा निखार आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक अदरक का छोटा सा टुकड़ा भी डाल दिया है काट के। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। तो अच्छी तरह यहाँ पर हम पीसेंगे, जूसर का इस्तेमाल हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, आप बिना जूसर के भी इस जूस को बना सकते हो। थोड़े से यहाँ पे मैंने फ्रेश पुदीने के पत्तों का इस्तेमाल करा है और यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ एक गिलास पानी और अच्छी तरह से हम इसको यहाँ पे पीस लेंगे। तो देखिए ये हमने अच्छी तरह से यहाँ पर इसे पीस लिया है। अब हम इसको एक स्ट्रेनर में छान लेंगे और अच्छी तरह से इसके पल्प को प्रेस कर करके इसमें से हम यहाँ पर जूस निकाल लेंगे। यह जूस बहुत ही फायदेमंद है, गर्मियों में पीने से इसके बहुत फायदे होते हैं, सर्दियों में भी इसके अपने बहुत फायदे होते हैं। इसको पीने से पेट की तो जलन शांत हो जाती है, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और मौसमी बीमारियां खांसी जुकाम ये सबसे हमें बचाता है। तो अब हम इसके अंदर इसको थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं नींबू। तो मैं यहाँ पर आधे नींबू का रस ले रही हूँ, साथ में यहाँ पर मैं काला नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 1/4 टीस्पून मैंने काला नमक लिया है और आधा चम्मच मैं यहाँ शहद ले रही हूँ। शहद जो है बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हो तो लीजिए। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पर हेल्दी सा जूस बनके बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं गिलास के अंदर। तो हमारा टेस्टी सा हेल्दी सा जूस पीने लायक बन गया है और इसके अपने बहुत फ़ायदे हैं। इसमें बहुत भरपूर मात्रा में फाइबर, पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर दीजिए। विंटर्स आ गए हैं, मैं आगे और भी जूस की रेसिपीज़ डालूँगी जो आप घर में आसानी से बना सकते हो। बाय, टेक केयर।